हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने दोस्तों फॉर्म भर रखा है एम्स एमएससी नर्सिंग का वो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे, आपका सिलेबस रिलीज हो चुका है। आपका जो सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है कि 2021 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है। अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप पहुंच जाए हमारे पास, आपको वहाँ पे सिलेबस की पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगी। आपको कहाँ पहुंचना है? हमारे पास। हमारे पास आप कैसे पहुंच सकते हैं? आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। आपको क्या सर्च करना है? नर्सिंग चैलेंजर्स। और आपको चैनल और ग्रुप दोनों के अंदर आपको ऐड हो जाना है। ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज होती है, उसका फ़ायदा भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। और जो चैनल है वो तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर ढूंढना चाहोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि डेली क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो टेस्ट सीरीज होती है, उसकी वजह से पीडीएफ बहुत ज़्यादा ऊपर रह जाती है। तो आपको दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए जानते हैं कौन कौन सा सिलेबस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 के अंदर पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले टॉपिक्स, देन है सब टॉपिक्स। यहाँ पे है टॉपिक्स एंड देन क्या है? सब टॉपिक्स। पहला है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे? देखिए, एम्स स्कोप कंसेप्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की लिमिटेशंस आपको पूछी जाएगी, कंसेप्ट्स पूछे जाएंगे, स्कोप क्या है वो आपको पूछे जाएंगे, और इस हेल्थ एजुकेशन का एम क्या है वो आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। हेल्थ टीचिंग और कम्युनिकेशन के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेशनल प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन, जो राष्ट्रीय प्लान है, जो नेशनल प्लान है हेल्थ एजुकेशन से रिगार्डिंग, तो वो भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्लान्स अभी बनाए जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग। हेल्थ के रिगार्डिंग कौन सी एजुकेशंस अभी चलाई जा रही, कैसे एजुकेशंस दे लोगों को जिससे वो हेल्दी रह सके, कैसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से मेथड है जिससे आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, ये भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, वो टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इससे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसका इंट्रोडक्शन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के अंदर एपिडेमियोलॉजी का क्या रोल है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। भारत के अंदर जो भी हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्र की जा रही है या फिर ऑर्गेनाइज की जा रही है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताई दिया, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैटिस्टिक्स श्योर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर वो मेन मोड मीडियन से हो, चाहे फिर वो डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल से आपको क्वेश्चन पूछा गया हो। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर मेन मोड एंड मीडियन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप याद कर लेना। यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का नर्सिंग के अंदर क्या यूज है, ये भी आपको पूछा जाएगा। यूज ऑफ कंप्यूटर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बायोस्टैटिक्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा रिसर्च के अंदर। तो ये कुछ रिसर्च के टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड जनरल नर्सिंग।
जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग है उसके प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन अब्रॉड एंड इंडिया, जो इंडिया है और जो अब्रॉड है जो फॉरेन कंट्रीज है उनके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो भी हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, चाहे वो फिर फॉरेन का हो चाहे फिर वो इंडिया का हो, कहीं का भी हो, आपको इसकी हिस्ट्री पूछी जाएगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है वो आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओबीजी, ओबीजी से कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है, देखिए कौन कौन से मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो आपको कंप्लीट याद करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको उसकी कंप्लीट याद करनी है, साथ ही इन्फेंट के बारे में जितना कुछ आप पढ़ सको वो आप पढ़ लेना, और साथ ही एम्ब्रियोलॉजी भी आपको पढ़नी है। आपको पूछा जा सकता है एम्ब्रियोलॉजी से कि 12 वीक के अंदर क्या होता है और कौन सा ऑर्गन है, आपको स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है कि यूरिन का फॉर्मेशन या फिर यूरिन पास आउट बच्चा कब करने लग जाता है, कौन सा हार्मोन है जो कौन से वीक पे स्टार्ट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको एम्ब्रियोलॉजी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए CHN, यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं है, पीडियाट्रिक की बात हो रही है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओके CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए बताया कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है जो पीडियाट्रिक है। ओके पीडियाट्रिक से कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पूछे जाएंगे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, जो चाइल्ड केयर है उसके मॉडर्न कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट, न्यूनेट के अंदर कौन कौन सी जो नर्सिंग केयर्स आप प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बर्थ टू एडोलसेंस, बर्थ जन्म से लेकर 18 साल तक, 0 से 18 साल तक के बच्चे के अंदर जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके बारे में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जी एंड डी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, माइलस्टोन वगैरह वो सारी की सारी आप पढ़ लेना। ओके डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कौन कौन से कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज, जो भी बच्चों के अंदर कॉमन जो डिजीज होती है जैसे निमोनिया हो गया, PEM हो गया, ऐसी कुछ कॉमन डिजीज प्रॉब्लम्स जो बच्चों के अंदर होती है उनका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, कल्चर, सबसे पहले कल्चर, कल्चर से रिगार्डिंग, कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टडिंग सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ सब टॉपिक है जहाँ से सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ये आपको कंप्लीट MSN पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं सब टॉपिक्स यहाँ पे जो बताए गए हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसिंग द केयर ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट्स की आप केयर देते हो, जो पेशेंट्स को आप केयर देते हो वो एक स्पेशल प्रॉब्लम जो इन्फ्लुएंस करती है वो आपको पढ़नी है। साथ ही नेक्स्ट देखिए इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस, जो इंटरनल डिफेंस होता है यानी कि इम्यूनिटी, आप बोल सकते हो इम्यूनिटी के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, जहाँ जो ऑर्थोपेडिक है यानी आप बोल सकते हो जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपेडिक नर्सिंग कौन सी आ गई, कुछ बच्चे तो पूछने लग जाते हैं कि सर ऑर्थोपेडिक नर्सिंग कौन सी आ गई, तो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि स्केलेटल सिस्टम आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक नर्सिंग का मतलब है जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट मेंटेनिंग द बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी कि नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है। ओके नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ENT, आई नोज एंड थ्रोट, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ओके नेक्स्ट देखिए
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे फिर से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स है जो पूछे जाएंगे एमएससी नर्सिंग के पेपर के अंदर। कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ एंड इट्स रिलेशन टू सक्सेसफुल लिविंग, ये टॉपिक पूछा जाएगा आपको। हाउसिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि BMW, श्योर आपको क्वेश्चन मिलेगा BMW से, जो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज है यहाँ से आपको श्योर आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट वाटर सप्लाई, नेक्स्ट एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर से क्वेश्चन बनेगा। एम एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एम क्या है और मेथड क्या है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ड्राइव्स नोटिसेज एंड नीड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इसलिए पर्सनैलिटी आपको पढ़नी है, और पर्सनैलिटी से ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम कहीं भी कैसे भी जो कभी भी पूछे तो हम सही करके आ जाएंगे। आपको पर्सनैलिटी पहले पढ़नी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनैलिटी पता है लेकिन ये पर्सनैलिटी आपको पता नहीं है तो आपको ये पर्सनैलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इमोशन हो चाहे फिर वो फीलिंग हो चाहे फिर वो इंस्टिंक्ट्स हो। नेक्स्ट मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये साइकोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट देखिए नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको आप बोलते हो FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विट्स एंड नर्सेज, जो एटिक्वेट्स आपने पढ़े हैं नर्सेज के वो आपको पढ़ने हैं, साथ ही इंट्रोडक्शन आपको नर्स का पढ़ना है। हेल्थ रिसोर्सेज इन कम्युनिटी, हेल्थ जो कम्युनिटी है उसके अंदर कौन कौन से हेल्थ रिसोर्सेज है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की डेफिनेशन और उसके स्कोप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो तो वहीं से आपको फिर से पढ़ लेना है, ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, और लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, सॉरी यहाँ पे और भी है, न्यूट्रिशन लास्ट नहीं है और भी है। न्यूट्रिशन का देखिए पहले, न्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, और मीनिंग ऑफ फूड, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ये आपको पढ़ने हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के जो मेथड्स वो आप पढ़ने हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन फूड एंड कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है फूड कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल ETC ये आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट, तो आपको प्रिंसिपल भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से क्या क्या पूछा जाएगा, इसके इंट्रोडक्शन, जो इस सेल की स्टडी है उसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में ये इंट्रोडक्शन आपको पूछा जाएगा। साथ ही बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ वेरियस सेल्स, सेल्स जो भी अलग अलग सेल्स हैं उनके बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है। प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ओके। तो ये जो सब्जेक्ट, जो सब टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं ये तो दोस्तों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आप एम्स में एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये जो सिलेबस बताया गया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन ये तो आप ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से सेल की फिजियोलॉजी आपको पूछी जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। ब्लड के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, और साथ ही जो GI सिस्टम है उसके बारे में फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़नी है। तो ये कुछ टॉपिक्स फिजियोलॉजी के जो आपको एमएससी नर्सिंग के पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एनाटॉमी, एनाटॉमी में मस्कुलर सिस्टम आपको पढ़ना है, स्केलेटल एंड जॉइंट सिस्टम आपको पढ़ने, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी आपको पढ़नी है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुछ एनाटॉमी के अंदर जो स्पेसिफिक सिस्टम्स बताए गए आपको ये सिस्टम आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। तो चार सिस्टम आपको एनाटॉमी के अंदर पढ़ने, और जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर ये तीन सिस्टम पढ़ने, और साथ ही ये ब्लड के बारे में पढ़ना और फिजियोलॉजी ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है। दोस्तों ये थी कंप्लीट एमएससी नर्सिंग जो एम्स के थ्रू होने वाली एग्ज़ाम उसका सिलेबस, और आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिली जाएगी। तो दोस्तों आप अगर एम्स एमएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो आप ये टॉपिक्स दोस्तों कंप्लीट जरूर पढ़ लेना, श्योर आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 100% आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और साथ ही अगर आपके किसी भी दोस्त ने एमएससी नर्सिंग का, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग एम्स से करना चाहते हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन्हें भी सिलेबस के बारे में पता चल सके। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं आ सकते हैं तो आप वीडियो से कंप्लीट जो सिलेबस है वो आप देख लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, और नया वीडियो अपना होगा एम्स, जो एम्स नॉर्सेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए गए हैं, उनके बारे में बताने हैं। वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और हमारे को पढ़ाने हैं, यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।